मैडम को जरा जान लो साइड में। आज के मोर्चे के बारे में क्या कहना आपका? आज का जो मोर्चा है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस और मुंबई विभागीय कांग्रेस, इन दोनों पार्टी के कमेटी के तरफ से निकाला था। भारत में बहुत बड़ा सबसे राफेल का घोटाला हो गया और उसी घोटाले को निकालने का काम और उसी घोटाले को पूरा घोटाला निकालने का काम हमारे नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया है। एक ही देश में मर्द है, वो मोदी के गुनाह के खिलाफ, मोदी को पैसा खाने के खिलाफ लड़ रहे हैं और उसके साथ कांग्रेस भी लड़ रही है। जहाँ तक राफेल का सवाल है, राफेल का तो हमने भी डील किया था। हमारा डील जिस तरह से चाहिए होता था कि हम 126 विमान का डील किया था, मिलिट का एयरक्राफ्ट बनाना था, हम लोगों ने किया था और 37 शुरू में लेते थे। और हमारा डील में जो गवर्नमेंट की कंपनी है जो 70 साल पुरानी है, HAL हिंदुस्तान एयरलाइंस लिमिटेड का कंपनी है, उसी के साथ डील हुआ था। और वो पूरा जो प्लेन है वो देश में बनाना था, भारत में बनाना था, अभी तो फ्रांस में बना रहे हैं। और 37 प्लान का ही खाली 37 एयरक्राफ्ट का ही खाली वहाँ करार हो गया, लेकिन करार में पैसा बहुत बड़ा ज़्यादा दिया गया। यहाँ तक हमारा मालूम ना था, यहाँ तक 526 करोड़ रुपये का एक प्लेन का हमारा करार था। अभी इन लोगों ने 1570 रुपये करोड़ का एक प्लेन का खर्चा किया है, इतना पैसा ज़्यादा क्यों दिया है? और दूसरे सबसे अहम बात है, गवर्नमेंट की 70 साल की पुरानी कंपनी होते हुए भी ये अनिल अंबानी को बीच में क्यों लाया, रिलायंस को बीच में क्यों लाया? और वो करार होने के पहले 12 दिन रिलायंस वाले कंपनी रजिस्टर करते हैं। मेरे ख्याल से मोदी ने उसको बोला होगा कि तुम कंपनी रजिस्टर करो तो तुमको ये डील हुआ जाएगा, तुमको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी रजिस्टर हो गए, ऐसा हमारा मानना है। तो बहुत बड़ा सरासर यह घोटाला हो गया। अंबानी को पूरा देश का गरीब का पैसा देने का मोदी जो निर्णय लिया, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने ये बराबर नहीं किया। आज तक खुद को वो कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, लेकिन अभी चौकीदार भागीदार हो गया और गुनहगार भी हो गया, दोनों हो गया। इसके राहुल गांधी ने बोला गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, ऐसा चोरी करने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग इतनी सी है, जब आज तक जो उन लोगों की मांग थी, बीजेपी की मांग थी कि ये कमेटी जो है बताना चाहे जॉइंट जेसीपी, इसका मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये बिठा के उसमें इंक्वायरी होना चाहिए। वो तो बीजेपी की जेसीपी में मेजोरिटी होगी, सब कुछ होगा, हमारा एक दूसरा मेंबर हो सकता है, लेकिन पूरे पार्टी के मेंबर आने के बाद उसकी इंक्वायरी बराबर हो जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सब इसमें बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा देश में घोटाला हुआ है और मोदी का तो ये आज तक का रवैया रह गया कि जब अहम बात आती है तो मोदी चुप्पी करते हैं। जब माइनॉरिटी के ऊपर बड़ा हमला किया 2002 में, दुनिया ने उसको बोला, उनके पार्टी वाले ने उसको राजनीति धर्म सिखाया, लेकिन मोदी जी आज तक कुछ बोले नहीं और बोलेंगे नहीं। जब दलित के ऊपर हमला होता है तभी मोदी चुप रहते हैं। जब हमारे किसान भाई है उसमें 3000 से ज़्यादा अगर आत्महत्या हो गई उसके ऊपर भी मोदी जी बोलते नहीं, राफेल घोटाले के ऊपर बोलते नहीं, बड़े व्यापारी के उद्योगपति के डायरी में मोदी का नाम आता है उसके लिए कुछ बात नहीं करते। जब पैसे का सवाल आता है, जब दलित का सवाल आता है, जब माइनॉरिटी का सवाल आता है, जब गरीब किसान का सवाल आता है, इतना ही नहीं, गरीब जो लोग हैं आप देख रहे हैं कि ये पेट्रोल का भाव क्या 92 हो गया, 92 रुपये हो गया, डीजल का भाव बढ़ गया, गैस का भाव बढ़ गया, गरीब का पूरा जीना हराम हो गया। ऐसे टाइम में मोदी कुछ बोलते नहीं, वो चुप्पी साधते हैं। और जो गैर कानूनी है जिसमें कुछ बोलना नहीं चाहिए वही बात लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं। तो अभी देश के जनता का ये निर्णय हो गया कि 2019 में तो मोदी जाएंगे नहीं, लेकिन ये राफेल घोटाला जो है वो उसका पूरा जांच होना चाहिए, उसकी जेपीसी कमेटी की तरफ से इंक्वायरी होना चाहिए। अगर वो इंक्वायरी नहीं करना चाहते तो 2019 में जनता कांग्रेस के लाएगी और इसकी पूरी जांच करेगी और मोदी को जेल में भेजा जाएगा, यही हमारा सपना है। चोर है भाई चोर है, मोदी सरकार चोर है, चोर है भाई चोर है।